तो व्हाट्सअप नहीं गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है एक और न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो के अंदर। और आज के सारे वीडियो के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं एक अच्छा सा क्रीपर फार्म। उसके अंदर बहुत सारे क्रीपर्स स्पॉन होंगे एंड बहुत सारे अलग अलग मॉब्स स्पॉन होंगे, उनकी लूट मिलेगी। इस फार्म का ज़्यादातर यूज़ हमें जब आएगा जब हम टीएनटी से एंशिएंट डेब्रिस माइन करेंगे। तो अभी ये बना के लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। और ये सारी स्टोन कहाँ से आई वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा, क्योंकि ये स्टोन्स मैंने एक बहुत ही बड़े एरिया से माइन करें। तो ये रहा वो एरिया जिससे देख सकते हैं इतने सारे खोदा हुआ है, बहुत सारा मैंने डायमंड की पिकेक्स से माइन कराया। दो दो डायमंड पिकेक्स गई है, बट आपको तो पता ही है कि डायमंड हमारे पास कमी नहीं है। तो और अगर आपको पता नहीं है तो आप सेकंड और फर्स्ट एपिसोड देख लीजिएगा। तो गाइज ये रहे हमारे बहुत सारे कोबल स्टोन, और ये रहे कुछ पके हुए, और ये जितने भी हैं वो सब एक कैल्प फार्म से बन के आ रहे हैं जिसको मैंने पकाए। और कैल्प, ये वाला कैल्प ब्लॉक का आज मैं आपको अगली वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा कि कितने इतने सारे कैल्प ब्लॉक कैसे आते हैं। अनलिमिटेड कैल्प ब्लॉक या कैल्प फार्म कह सकते हो, वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेस्ट लाता हूँ। ओके तो देखो डबल चेस्ट लगनी है ऐसे। ओके कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके डबल चेस्ट ऐसे लग देनी है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला काम बहुत ज़्यादा ही होता है। हॉपर को चेस्ट से कनेक्ट कर देना है, एक और बार कनेक्ट कर दो, अब एक और बार। तो गाइस ये तीन बार ऐसे करने के बाद मैं इसको 3x3 का बनाना है। इधर से भी एक बार मुड़ जाएगा ये, 1 2 3। तो ये होने के बाद मैं गाइस आपको यहाँ से 15 ब्लॉक ऊपर चलना है। टू थ्री फोर फाइव। तो एक बार वापस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके तो गाइस ये 5 है एंड हम अब इसके आगे से 6 से गिनती गाएंगे। लेट्स गो। ओके ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो गाइस 15 तो हो चुका है, अब इन सबको पूरा ऐसे कर देते हैं। ओके तो गाइस सबको मैं 15 15 करता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में ही। तो गाइस मैंने इतना सब कुछ कर लिया है अब। ओके तो वाटर बकेट नहीं हो पाई है, बट आपको अभी यहाँ पे ग्लास प्लेस करना है। ओके तो यहाँ पे आगे की तरफ ग्लास प्लेस करेंगे ताकि किसी को भी पता, मतलब कि जानवर कैसे मर रहे वो हमें पता रहे बट जानवरों को हम नहीं दिखे। ओके तो सिंपल सा लॉजिक है, आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी फार्म है और मैंने भी कराए। तो ये माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन का फार्म है, तो प्लीज़ आप, मेक श्योर करता हूँ कि आप माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में बनाएं। और मेरे तो को थोड़ा सा कफ हो रखा है तो वॉइस से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ओके लेट्स गो, इसे तोड़ना पड़ेगा, सिल्क टच तो नहीं है। तो गाइज जब 15 15 के ऐड किया आगे आने के बाद में एक और लेयर लगा देनी है ताकि ये 16 का हो जाए। और 16 का होने का मतलब थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि ज़मीन से ऊपर रहेंगे जब इस तो ऊपर फार्म मॉब्स स्पॉन होंगे। तो जल्दी से ये कर लेते हैं। ओके कोई बात नहीं, पिकैक्स की बहुत हेल्थ कम है। लेट्स गो, इतना करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, 7 ब्लॉक इसके आगे जाना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये आखिरी में 7। तो देख लेते हैं, देखो। ओके तो गाइज ऐसे करने के बाद में अब आपको थोड़ी सी स्टेट्स ले लेनी है, देख लीजिए। 7 ब्लॉक करने के बाद में पूरा भर देना है, मैंने भी भर दिया है। ओके
तो गाइज मैं आपको 7 ब्लॉक सब चारों दिशाओं में करने के बाद में आपको उनको भर देना है, और एक ब्लॉक साइड की लाइन तरफ में ऐसे लगा देना है, मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरे को भी बहुत मुश्किल से 3-4 बार ट्यूटोरियल देख के समझ में आया। ऐसा करने के बाद में आपको हर एक दिशाओं में पानी भरना है। तो मैंने तो ज़्यादा कुछ करा नहीं है, बट पानी को लेने के लिए अब मुझे जाना पड़ेगा दूसरे में, और अनलिमिटेड वाटर सोर्स से करूँगा। तो बस जल्दी से करते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे। तो कोई नहीं, अब जल्दी से चलते हैं दूसरा पानी लेने। ओके भर लेते हैं, तो अब वापस चलते हैं। बहुत ही हमारे घर के थोड़ा सा पीछे ही हमारे के फार्म है, तो गाइस हमने बना लिया, इतना सारा पानी भर गया ये, और ये सब हुआ है इस अनलिमिटेड वाटर सोर्स की वजह से। तो आप भी वाटर सोर्स के बिना ये नहीं कर सकते, बहुत हार्ड है। एंड डायमंड पिकेक्स की हेल्प अभी तक भी चलती है, मैं तो वेट करेगा। ओके तो गाइस हमें स्टोन ब्रिक्स लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास स्टोन ब्रिक्स अनलिमिटेड है। और आप बताइएगा कि मैं कौन सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टोन का फार्म बनाऊं, यानी कि भाई साहब बेड तो ठीक प्लेस कर दिया था बट हमारे नीचे वो नहीं हुआ। बट कोई नहीं, हम वापस ऊपर चलते हैं। ओके तो गाइस हमने ये सब भर दिया है, अब इसके ऊपर एक और बार 3 ब्लॉक ऊपर चलना है, और अब इसे पूरा का पूरा अंदर तक कर देना है। तो देख लीजिए मैं पूरा का पूरा कैसे करता हूँ, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपका फार्म 3 ब्लॉक को, मतलब कि 2 ब्लॉक के ऊपर एक और लाइन आएगी, उस वाले हाइट पे चलना है। देख लीजिए ये बेडरॉक एडिशन में ऐसे कर सकते हैं हम, बट आप के एडिशन में, मतलब कि जावा में हो या पॉकेट में हो उसका पता नहीं। ओके तो कुछ नहीं करना है, मतलब कि इन सब के बीच वाले लाइन पे करना है, मतलब इस वाले ब्लॉक के आगे वाले ब्लॉक पे रोक देना है हमें। इसे तोड़ देते हैं गलती से, अब नहीं काम करेगा क्योंकि आगे ब्लॉक हमें प्लेस हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से करता हूँ, कुछ 1-2 ब्लॉक और आगे ले जाने होंगे। हाँ एक और ले जाना है तक बस। तो गाइज ऐसे ही करना है, अब आप आगे तक ले जाना है उधर, तो जल्दी से ले जाकर चलते हैं। तो गाइस ऐसे करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एक 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 ब्लॉक छोड़ के ऐसे करने लग जाना है, यानी कि ऐसे आगे ले जाने लग जाना है, एक एक लाइन का गैप छोड़ के आपको करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऐसे कर दीजिएगा, जल्दी से कर लेते हैं हम। ओके तो गाइस अभी तक आधा हो चुका है, और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, मतलब टैप को हटा रहा ही नहीं हूँ। ओके गाइस तो ये इतना करने के बाद में आपको, मतलब कि पूरा ही करना है इतना, क्या जल्दी से करते हैं आपके साथ में करते हैं। तो गाइस मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप अपनी पूरी इन्वेंट्री भर के स्टोन ब्रिक्स और 2 स्टैक वुड भी लेके आइएगा, क्योंकि वुड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 स्टैक ऑक लॉग लाइएगा, प्लैंक्स नहीं लॉग की ज़रूरत है हमें। ओके तो गाइस यहाँ से आखिरी लाइन भी भर देते हैं जल्दी से। तो गाइस आखिरी लाइन भी बनने वाली है। ओके तो गाइस आखिरी लाइन भी भर चुकी है, बट अब आपको भरने के बाद में इधर से देखिए एक एक ब्लॉक को छोड़ के, सॉरी ऐसे करना है हर एक लाइन में। बार बार क्यों हो रहा है ये। तो गाइस करने के बाद में आपको साइड में ऐसे स्टोन ब्रिक्स बर्च के बटन लगा देने, और बर्च के नहीं किसी के भी हो सकते हैं वो बटन लगाना है। ट्यूटोरियल में ऐसा ही दिया हुआ है, क्योंकि इस वाले ब्लॉक पे स्पॉन नहीं होना है मॉब। ओके तो गाइस इधर से बटन लगा देना है छोड़ छोड़ के। तो लगाने के बाद में बटन तो अच्छे से लग जाएंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है कि बटन को अंदर भी लगाना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देखते रहिए। सॉरी गलती से लग गया, इसे तोड़ देते हैं हम। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बटन लगने के बाद में आपको ट्रैप डोर्स निकालने हैं। ओके हो गया, बर्च के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो डोर्स है वो एक ही दिशा में रखने हैं, ये मेक श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर डोर्स इधर के इधर, मतलब कि ऊपर नीचे हुए, तो देख लीजिए सब एक ही दिशा में इधर आ रहे हैं,
और अब हम एक और लेयर बना देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि लेयर बहुत खतन होनी ज़रूरी है, अगर लेयर नहीं हुई तो ख़राब हो जाएगा। तो दूसरी लेयर भी हो चुकी है कुछ हमारी ऐसे ही, तो अब इसे जल्दी से चलते हैं और अब लगाते हैं अपनी दूसरी लेयर, कंप्लीट कर लेते हैं। ओके तो गाइज मैंने कुछ इसी तरह का ऐसा ऊपर भी करता हूँ और फिर देख मिलता हूँ आपसे। ओके गाइज ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो चुका है हमारा, तो अब इसको भी जल्दी से वैसा ही बनाता हूँ मैं। तो गाइज दूसरी लाइन भी हो गई है, तो अब हमारी इसको पूरा भर देते ताकि अंधेरा हो जाए पूरे में एंड बहुत ज़्यादा ही मॉब्स स्पॉन हो जाए। दो लेयर होने के बाद में आप जितनी चाहे उतनी लेयर बना सकते हैं, बट मेरे को दो लेयर की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा क्रीपर्स की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम जब बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जब हम एंड ड्रैगन को मारेंगे, इलाइटर लेके आएंगे तो रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम बहुत ही बड़ा फार्म बनाएंगे। बट कोई नहीं, अभी तो क्रीपर को मारने से बढ़िया यही सही रहेगा। लेट्स गो, इसे जल्दी से भरते हैं। और दो लेयर तो बन चुकी है हमारी नीचे, और दूसरी लेयर के जहाँ पे है वहाँ पे ट्रैप डोर होनी चाहिए, देख लीजिए आप। ओके तो जल्दी से भर देता हूँ मैं, इतना सारा भरना है मुझे अभी तो। नो सॉरी, लेट्स गो। ओके तो गाइज अब इतना सही रहा है, बहुत ज़्यादा ही जल्दी करना का मेरा मन हो रहा है, क्योंकि अब हमारा क्रीपर फार्म आखिरी लेवल पे आ चुका है एंड अब तैयार होने वाला है। ओके तो गाइज ये आखिरी ब्लॉक लग चुका है, और अब ख़राब ब्लॉक्स को हटा देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही बेकार लगेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा 7 ब्लॉक्स आगे एक्सटेंड कर देना है। तो जल्दी से अब चलते हैं, हम इसे तोड़ देते हैं। ओके तो गाइस मैं सो चुका हूँ, स्वीट ड्रीम्स ले लेते हैं, और अब हम जल्दी से तोड़ते हैं वापस से, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। मॉब्स स्पॉन अभी तक मेरे को नहीं लगे, तो गाइस मैं उधर मॉब्स स्पॉन होने से ज़्यादा तो इसके नीचे हो गए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखो गाइस इतने सारे मॉब्स, क्रीपर तक आ चुका है भाई। भाई नहीं भाई, मैं तो भाग रहा हूँ, क्रीपर को हम दूर लेके मारेंगे, यहाँ की ज़मीन नहीं तोड़नी है। तो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसी कोई क्रेजी वीडियो के अंदर। और आप कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी कैसी वीडियो बनानी चाहिए, और आपका लाइक एम मैं सेट कर देता हूँ 50 लाइक्स, एंड आप 50 लाइक्स कंप्लीट करा देते हो तो अगली सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो इस वीडियो के कोई 10-15 दिन के अंदर ही आ जाएगी, और इसका टेस्ट उसी वीडियो के अंदर होगा। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, और बाय बाय।